नमस्कार। संदर्भ है आज जिन लोगों का विवाह सही समय पे नहीं हो रहा, जिन लोगों के घर में चाहे लड़का या लड़की विवाह के लिए बहुत समय हो गया है, विवाह के योग्य हैं लेकिन फिर भी किसी को वर नहीं मिल रहा है तो किसी को कन्या नहीं मिल रही, ऐसा क्यों होता है। इसके बहुत बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। एक तो वो भूमि जहाँ पर आपका जन्म हुआ या आपकी अपनी जड़ है, यानी आपका अपनी पैतृकता जहाँ है, वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और दूसरी बात है आपका अपना कार्मिक अकाउंट जो आप स्वयं निर्धारित करते हैं। पहली चीज़ जो आपकी हम जन्म की स्थान की बात करते हैं, जिनका भी जन्म स्थान भगवान राम की जन्मस्थली के आसपास का है, पूर्वांचल का है, या किसी तरह से उनका संसर्ग अयोध्या के आसपास से है, उन लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। क्योंकि रामायण बताती है कि भगवान राम 14 सालों तक वनवास रहे, उतने सालों तक अयोध्या में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य नहीं किया गया। एक प्रकार का ये वास्तु दोष है, भूमि दोष है, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल की बात नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण स्वरूप पूर्वांचल की बात हो रही थी। ये संदर्भ है आपके अपने घर का वास्तु, आपके अपने घर का जमीन, आपकी भूमि अगर खराब हो तो ऐसी अव्यवस्था होती ही होती है। दूसरा, आपके घर में यदि आपके बाबा, आपके पिता या किसी ने भी एक से अधिक विवाह किया हो, या किसी भी वजह से जिनके घर में विवाह की जो संख्या है वो एक ही व्यक्ति की कई एक बार हुई हो, चाहे कारण कोई भी हो, ऐसी अव्यवस्था तब भी होती है। और इन सारी की सारी चीज़ों को हम बहुत सहजता से ठीक कर सकते हैं। यद्यपि उदाहरण तो बहुत सारे हैं जिनकी लाइन विवाह की बहुत ऊपर आ रही हो तो भी विवाह विलंब से होता है, जिन लोगों के दांत तीथ आगे के बहुत बड़े हों उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जिन लोगों का फेस बहुत पतला होता है उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम बहुत बहुत ज़्यादा आती है, जिन लोगों के नाखून बहुत छोटे होते हैं हाइट के अनुकूल उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। तो लक्षण अनेकों हैं, उपाय सिर्फ इस बात का कि विवाह अगर विलंब से हो रहा हो तो क्या ऐसा करना स्टार्ट कर दें जिससे आपका विवाह त्वरित और अनुकूल व्यक्ति के साथ हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बहुत सहजता से। और विश्वास मानिए कि ये उपाय करते ही आपको 40 दिन के अंदर आपका विवाह कहीं ना कहीं दिखने लगेगा। अगर नहीं तय होता तो एक बात तो 100% होगी कि आपको आपके विवाह के अनुकूल दिशा दिख जाएगी, पता पड़ जाएगा कहाँ और किस तरह से होना है। उसके लिए करना सिर्फ एक काम है कि आपका जो हाथ है राइट वाला, उसमें छोटी वाली उंगली से लेकर के नीचे मणिबंध तक ये टेढ़ी लाइन आपको रोज बनानी है केसर और अष्टगंध से। और ये शुरुआत करना है गुरु पुख्य नक्षत्र में, बृहस्पतिवार के दिन पुख्य नक्षत्र हो उस दिन से शुरुआत करके 41 दिन यानी 41 डेज तक करने से आपका ये समाधान त्वरित निकलता है। ये अनुभूत प्रयोग है, श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो फल मिलेगा। कहानी को या किसी इतिहास को अगर आप कहानी समझ के सुनते हैं तो वो आपके लिए सिर्फ कहानी है, सत्य समझते हैं ना तो वो भावनात्मक अटैचमेंट है। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपको इसको लाभ होगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808142694।